अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हर्फ रे। और रे की पहचान है र। रे रस्सी, रस्सी मुख्तलिफ चीज़ों को बांधने के काम आती है। रे रीच, रीच आपने जंगल में देखा होगा। और रे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में कभी आपने बेटा सफ़र किया है। अब हम पढ़ेंगे हर्फ रे की कहानी। एक जंगल में दो रीच रहा करते थे, रेर रीच। इन्हें रेलगाड़ी चलाने का बहुत शौक था, लेकिन रेलगाड़ी जंगल में से नहीं गुजरती थी। रेर रेलगाड़ी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल के किनारे पर जाकर दूर से रेलगाड़ी को गुजरता हुआ देखेंगे। रेर रेलगाड़ी। जंगल बहुत बड़ा था, इसलिए चलते चलते इन्हें रात हो गई। वो एक पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए और रेल के आने का इंतज़ार करने लगे। एक रीच ने दूसरे से कहा उसे अंधेरे से डर लग रहा है। दूसरे रीच ने उसे बताया कि उसने कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ लिए थे, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा। पहले वाले रीच ने जब ये सुना तो उसने भी कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ लिए, फिर उसको भी डर लगना बंद हो गया। फिर एक रीच ने दूसरे से कहा, यार यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जब रेलगाड़ी गुजरेगी तो वो हमें नज़र कैसे आएगी। दूसरा रीच बोला, भाई अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए रोशनी भेज देगा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो उन्होंने देखा कि एक आदमी हाथ में रोशनी पकड़े हुए रास्ते पर चलता हुआ आ रहा है। इतने में रेलगाड़ी भी पटरी पर तेज़ी से भागती हुई आ गई। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उन्होंने रेलगाड़ी को रोशनी में देखा। अब वो खुशी खुशी जंगल को वापस लौट गए।